देखो, चीनी स्टूडेंट ने NUS में अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था। आप सभी का जो रिजल्ट है, जो मार्कशीट है, जो पासिंग सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट आप लोग के डिजी लॉकर पे आ चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिजी लॉकर से इन सर्टिफिकेट को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आज देख लेना और अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना। मैंने आपको उसमें पूरा डिटेल में समझाया हूँ, ठीक है। अब देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर, हमारा मार्कशीट अभी तक डिजी लॉकर पर आया ही नहीं है। हमने भी अप्रैल मई 2023 सेशन में 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन हमारा मार्कशीट जो है यहाँ पर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन ये कि मार्कशीट यहाँ पर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कि सर, मार्कशीट यहाँ पर डाउनलोड हो गया है लेकिन मार्कशीट में अभी तक हमारी जो फ़ोटो है, जबकि फ़ोटो हमारा ऑलरेडी आई कार्ड पर आ रहा है, लेकिन फ़ोटो यहाँ पे मार्कशीट में यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तीसरा, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स के थ्रू कि सर, हमारी मार्कशीट डाउनलोड हो रही है, हमारी फ़ोटो भी आ रही है, लेकिन पासिंग ईयर जो है ना उसमें गलत है, ठीक है। यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर, हम पास किए हैं 2023 में, लेकिन मार्कशीट पर जो पासिंग ईयर डाला गया है वो 2022 डाला गया है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन जो है अभी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। पहला ये कि उनका मार्कशीट यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि उनका मार्कशीट यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। दूसरा ये कि जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनका मार्कशीट भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तीसरा ये कि मार्कशीट दिख रहा है लेकिन उनका फ़ोटो नहीं दिख रहा है। और चौथा ये कि मार्कशीट मिल रहा है, फ़ोटो भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डाटा में करेक्शन है, यानी कि उनके नेम में, फादर नेम में या पासिंग ईयर में कुछ एरर डाला गया है, ठीक है। तो इन सब का जवाब क्या है और इन सब का सोल्यूशन कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे A to Z समझ लो। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया था अप्रैल मई 2023 सेशन में, तो कल के डेट में आप लोग का यहाँ पे मार्कशीट NUS ने डिजी लॉकर पर डाल दिए है, ठीक है, सबसे पहली ये बात। अब देखो, जिन स्टूडेंट्स का यहाँ से मार्कशीट नहीं निकल रहा है, जिन स्टूडेंट्स का यहाँ से मार्कशीट डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर सर्च करने के बाद सर्च ही नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि फैचिंग वगैरह भी नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि देखो, जैसे कि आप यहाँ पे डिटेल वगैरह डाल के फैचिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, डिटेल वगैरह डाल के गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, तो वहाँ से आपको इस तरीके से देखोगे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके इसे एडिट कर लेना है। एडिट करके यहाँ पर आप मार्क कर लोगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है। डूडल में जाओगे, अब देख लेना आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, ठीक है, लोकल मोबाइल है मेरे पास। और इस तरीके से आपको ये देखो, इस तरीके से इसे आपको मार्क कर लेना है और इसे आपको रख लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, तो अब आपको करना होगा मेल, तो वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि सर, डिजी लॉकर से मार्कशीट हमारी डाउनलोड हो गई है लेकिन उसमें फ़ोटो नहीं दिख रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। और तीसरा आपने ये बोला है, देखो मार्कशीट पर फ़ोटो नहीं दिख रहा है, तो एक यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि आपका मार्कशीट यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है और ये टेक्निकल एरर है। अभी तक मार्कशीट में जो आपका फ़ोटो वगैरह आना चाहिए वो NUS की डाटा की तरफ से आया नहीं है डिजी लॉकर पे, तो ये चीज़ें जो है 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, मैंने आपको ये भी बोला था। तीसरा प्रॉब्लम जो ये है ना कि पासिंग ईयर गलत आ रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत आ रहा है, या फिर आपका मदर नेम, फादर नेम गलत आ रहा है, या फिर आपका खुद का नेम यहाँ पर गलत आ रहा है मार्कशीट में, तो आपको क्या करना है। देखो, सबका सोल्यूशन यही है कि आपको पेशेंस रखना है 1 से 2 दिन, ठीक है, 1 से 2 दिन आपको पेशेंस रखना है। और देखोगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ से मार्कशीट आपकी डाउनलोड नहीं हो रही है, तो एक से 2 दिन बाद आपकी मार्कशीट यहाँ से डाउनलोड होने लगेगी। फ़ोटो पहले नहीं दिख रहा था यहाँ पे मार्कशीट में आपका, तो फ़ोटो भी दिखने लगेगा 1 से 2 दिन बाद। जो आपके मार्कशीट में प्रॉब्लम आ रही है पासिंग ईयर की, पासिंग ईयर गलत मेंशन है या आपका नाम गलत है, DOB गलत है अभी के अकॉर्डिंग, तो 1 से 2 दिन बाद देखोगे कि ये सारी जितने भी प्रॉब्लम है फ़ोटो की या पासिंग ईयर की, या फिर डाउनलोड नहीं हो रहा, फैचिंग नहीं हो रहा, ये सारी दिक्कतें जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप यहाँ से अपनी मार्कशीट को निकाल ले हो लेकिन आपके मार्कशीट पर फ़ोटो नहीं है, तो रीज़न समझना। देखो, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो ना, जैसे कि अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिए थे लेकिन आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो उस केस में आप लोग को यहाँ पे फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पास स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हीं का यहाँ पे फ़ोटो दिखता है मार्कशीट में। जो फेल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके फाइनल रिजल्ट में नीचे XX लिखा होता है या फिर कोई और प्रॉब्लम लिखा होता है, RL लिखा होता है, RW लिखा होता है,
उनके रिजल्ट में यानी कि उनके मार्कशीट में यहाँ पे फोटो नहीं दिखेगा, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो आप सारे सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में पास हो, लेकिन फिर भी आपके मार्कशीट में यहाँ पे फ़ोटो नहीं दिख रहा है, या फिर पासिंग ईयर गलत आ रहा है, या डेट ऑफ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका गलत आ रहा है, या फिर आपका कोई भी डाटा यहाँ पे मिसिंग है, तो करना क्या है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लोगे, अब आपको क्या करना होगा, तो आपको डिपार्टमेंट को करना होगा मेल, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो बताओगे आप, या फिर जो फ़ोटो नहीं आ रहा है तो वो बताओगे, ठीक है, या फिर आपका डाटा यहाँ पे गलत है डाला हुआ है मार्कशीट में या किसी सर्टिफिकेट में तो वो बताओगे, या फिर देखो जैसे आपका यहाँ पे मार्कशीट निकल रहा है लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट निकल रहा है नहीं निकल रहा है तो वो बताओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मेल के थ्रू सॉल्व करना है। हालाँकि यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन का आप पेशेंस रखोगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो जितने भी आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम आ रही है, पासिंग सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड करने जा रहे हो, डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है लेकिन वहाँ पे आपकी फ़ोटो मिसिंग है, आपकी डिटेल मिसिंग है, तो ये सारी प्रॉब्लमें जो है 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। फिलहाल देखो आपको मेल भी कर देना है, क्योंकि मेल के थ्रू आपको पता भी चल जाएगा। वो हालांकि यही बोलेंगे कि ये टेक्निकल एरर है, 1 से 2 दिन रुको, लेकिन आपको मेल करके इनको इन्फॉर्म कर देना है, ताकि आप लोग की जो डाटा है एनीवेज यहाँ पे अपडेट कर दे। मेल कैसे करोगे, तो जो आपने एडमिशन के टाइम ईमेल आईडी दिया था एनीवेज में, उसी ईमेल आईडी को खोलोगे। ईमेल आईडी खोलने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको मेल करने के लिए कंपोज यानी कि पेंसिल वाला आइकन जो मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मैं एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि एनीवेज का है, इस पर आप मेल करोगे तो आपको डेफिनेटली 48 आवर्स के बाद आप लोग को यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ईमेल आईडी है ना, मैंने आपको स्क्रीन पर भी दे दिया है, ठीक है, ये देखो ये रहा, तो इसे कॉपी पेस्ट कर लेना। अब आपको सब्जेक्ट में क्या बताना है, तो सब्जेक्ट में आपको वही बताना है जो आपकी प्रॉब्लम है। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स बोल लेते हैं कि हमारी मार्कशीट आ गई है लेकिन फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ोटो नॉट शोइंग ऑन माय डिजी लॉकर मार्कशीट। तो इतना हमने लिख लिया है, अब आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे मार्कशीट आपका डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में सीधा लिखोगे मार्कशीट नॉट शोइंग ऑन डिजी लॉकर, ठीक है, ये लिखोगे, या फिर आपके कोई डाटा मिसिंग है, पासिंग या गलत है तो वो यहाँ पे लिखोगे। फिलहाल हम ये मान के चल रहे कि आपकी प्रॉब्लम जो है फ़ोटो वाली है, फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमने लिखा है फ़ोटो नॉट शोइंग ऑन माय डिजी लॉकर मार्कशीट। अब यहाँ पर आपको डिटेल में थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बतानी होगी कि आपने एग्ज़ाम कब दिया था, एग्ज़ाम कैसा गया था, एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो कि नहीं किया हो, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो जो बतानी है मैं आपको लिख देता हूँ, इसे आप चाहो तो कॉपी पेस्ट करके मेल कर देना, तो मैं एक बार लिख दूँ इसे। तो देखो मैंने लिखा क्या है, इसे आपको इसी तरीके से लिख देना है। रेस्पेक्टेड सर, आई अपीयर इन एनीवेज अप्रैल 2023 एग्ज़ाम। जो आप एग्ज़ाम दिए हो वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे ब्रैकेट में, जैसे कि हमने सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया था, और हमने लिखा है यहाँ पे आई अटेम्प्ट माय एग्ज़ाम सक्सेसफुली, और हमने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया था, एंड आई एम पास इन ऑल सब्जेक्ट, हम सारे सब्जेक्ट में पास है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया है। माई रिजल्ट पास आफ्टर आई चेक माई रिजल्ट चेक माई मार्कशीट ऑन डिजी लॉकर, हेयर इज अ प्रॉब्लम फोटो नॉट शोइंग ऑन डिजी लॉकर मार्कशीट। यानी कि जब मैं रिजल्ट को मार्कशीट को चेक करने जा रहा हूँ डिजी लॉकर पर, तो वहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम मिल रही है, फोटो नॉट शोइंग ऑन डिजी लॉकर मार्कशीट, ये मैंने लिख दिया है। प्लीज़ सॉल्व दिस इशू, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा ना, कि जो आपकी रिजल्ट है ना, जो अभी आई है, वो रिजल्ट को यहाँ पर अटैच करना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर पर प्रॉब्लम आ रही है कि फ़ोटो शो नहीं हो रहा, वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, तो दोनों को यहाँ पर आप अटैच करोगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर जो एक तो ये का अटैच कर लेते हैं ये, और जो हमारा रिजल्ट है वो भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा कहाँ है एक बार हम देख लेते हैं, तो ये देखोगे कि हमने दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर यानी कि मार्कशीट और अपनी जो ये हमारी रिजल्ट है और जो डिजी लॉकर पर स्टेटस दिखा रहा है वो हमने डाल दिया है। अब देखो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, फ़ोटो शो नहीं हो रहा है तो फ़ोटो शो नहीं होने का यहाँ पे डालोगे, या फिर आपका डाउनलोड ही नहीं हो रहा मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, या कोई और सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा डिजी लॉकर से, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर डालोगे। और आपको इन शॉर्ट यहाँ पर बताना है कि एक्चुअल में आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। अब देखो यहाँ पर जो मैं मेल कर रहा हूँ ना, ये सुबह के 4 बज रहे हैं, इस समय आपको मेल नहीं करना है, हालाँकि मैं अभी करूँगा, लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा,
तो मेल आपको कब करना है, सुबह के 11 बजे करना है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में, ठीक है। आज चाहो तो आज भी कर सकते हो रिप्लाई, हालांकि इनका 48 आवर्स के बीच में कभी भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 48 आवर्स के बाद आप लोग को इनका रिप्लाई मिलेगा और आपको सोल्यूशन यही मिलेगा कि 1 से 2 दिन वेट करने को कहेंगे, नहीं तो जो भी अदर प्रॉब्लम होगी वो आपको यहाँ पे बता देंगे, मेंशन कर देंगे। हालांकि इनको मेल करके आपको बता देना चाहिए ताकि जो भी आपकी डाटा मिसिंग है, वो भी जैसे कि मार्कशीट में फ़ोटो नहीं दिख रहा है या फिर पासिंग ईयर गलत है, डाउनलोड नहीं हो रहा, ये चीज़ आपको NUS को बता देनी है, ठीक है। लेकिन आपको मेल कितने बजे करना है, सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, ठीक है। मैं इनको मेल कर रहा हूँ, ये देखोगे कि इनके पास ये मेल जा चुका है, ठीक है। अब मेल का रिप्लाई आएगा 48 घंटे के बाद, ठीक है। हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन लग जाए, इसमें टाइम लग जाता है, तो इसका आपको वेट करना है। और देखो मैंने भी आपको यही बोला है कि अगर आपका मार्कशीट जो है डिजी लॉकर पे डाउनलोड नहीं हो रहा है, या पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, या डाउनलोड हो गया है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है लेकिन आपका मार्कशीट में फ़ोटो नहीं दिख रहा है, पासिंग सर्टिफिकेट में मार्कशीट में फ़ोटो भी दिख रहा है उसके बाद अगर आपके रिजल्ट में या मार्कशीट में डिजी लॉकर के मार्कशीट में पासिंग ईयर गलत है या फिर कोई एरर है आपके मार्कशीट में, जैसे कि नेम का हो गया, DOB का हो गया, आपके फादर नेम का हो गया, कोई भी दिक्कत है, तो उस केस में मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको 1 से 2 दिन पेशेंस रखना है। ये चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी फ़ोटो भी आ जाएगी, आपका पासिंग ईयर भी सही हो जाएगा, आपका जो नेम वगैरह गलत है वो भी सही हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। यानी कि मार्कशीट डाउनलोड नहीं हो रहा तो मार्कशीट भी डाउनलोड होने लगेगा। 1 से 2 दिन पेशेंस रखना है। हालांकि देखो मेल करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि मेल आपको कैसे करना है, और मेल आपको करके इनको बताना चाहिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इससे एडमिशन वगैरह लेने वाले हैं, और डिजी लॉकर के मार्कशीट से पासिंग सर्टिफिकेट से आपका एडमिशन कहीं भी आराम से हो जाएगा, कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और चाहोगे कि 12वीं क्लास आपको किसी बोर्ड से करनी है, स्टेट बोर्ड से, CBSE से, या फिर से NUS से ही, तो उस केस में भी डिजी लॉकर मार्कशीट को यूज कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो क्वेश्चन अपना कर लेना यहाँ पे। बाकी देखो जैसे जैसे आप लोग का कमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो कहीं मतलब हमारे ज़रूरत की नहीं हो रही है, बन नहीं रही है हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो, हम उन चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद उसी पर हम वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आप लोग के लिए ही चैनल है और आप लोग की प्रॉब्लम के सलूशन के लिए ही है। तो जो भी दिक्कत आती है आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, आप लोग को सलूशन पूरी तरह से यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा जैसे भी होगा, ठीक है। तो इस मेल का हम वेट कर रहे हैं, हालांकि इसका रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि हम सुबह के 4 बजे इनको मेल किए हैं, इनको मेल करना होगा दोबारा से मुझे 11 बजे, तब जाकर इनका रिप्लाई आएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी देखो मेल आप लोग कर देना अगर आपका कोई दिक्कत है तो, मार्कशीट में, डिजी लॉकर के मार्कशीट में तो।